हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कुक विद सुधा में। आज मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ मावे के पेड़े की रेसिपी। बहुत ही टेस्टी लगते हैं पेड़े, हम बिना चाशनी के इसे बनाएंगे। तो आई होप कि आज की रेसिपी आपको बहुत ही पसंद आएगी। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट शुरू करते हैं। तो फिर सबसे पहले हम मावा भुनेंगे। तो गैस को भी मैंने ऑन नहीं किया है। तो 2 कप और 1/3 कप यहाँ मैंने मावा लिया है। वेट में ये 500 ग्राम्स के लमसम है। तो पहले हम फ्लेम को मीडियम रखेंगे। जब कढ़ाई थोड़ी सी गर्म हो जाएगी तब हम फ्लेम को लो या लो टू मीडियम रखेंगे और मावे को हम भून लेंगे। भूनने से क्या होगा कि मावा जो है हमारा थोड़ा सा फ्रेश हो जाएगा, क्योंकि ये मार्केट का मावा है। अगर आप घर का बना हुआ मावा ले रहे हैं तो आपको ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, 4 से 5 मिनट मैंने मावे को भून लिया है। अब हम इसमें चीनी डालेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैंने 1 कप चीनी ली है। तो कप को मैंने थोड़ा सा फुल करके लिया है। वेट में ये 250 ग्राम्स के लमसम है। फ्लेम को हम लो रखेंगे, नहीं तो चीनी जो है इसकी मेल्ट नहीं होगी और ये जो पाग है आपका टाइट हो जाएगा। तो फ्लेम को लो रखेंगे जब तक चीनी इसकी अच्छे से मेल्ट नहीं हो जाती। तो फिर 4 से 5 मिनट हो गए हैं, चीनी जो है पूरी तरह से मेल्ट हो गई। अब हम फ्लेम को मीडियम कर देंगे और इसे जो है मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे जब तक ये थोड़ा सा गाढ़ा नहीं हो जाता है। ज़रूरत पड़ने पर फ्लेम को थोड़ा सा कम भी कर देंगे। तो फ्रेंड्स, इसे पकाते हुए 7 से 8 मिनट हो गए हैं और देख सकते हैं काफ़ी गाढ़ा हो गया है। चलिए थोड़ा सा निकाल लेंगे, आपको दिखा दें कि कैसे चेक करना। वैसे जो कढ़ाई की साइड होती है, जब आप कलछे से साइड इस प्रकार से क्लीन करते हैं तो साइड जो है ना कढ़ाई की जो पाग लगा होता है ना, वो एकदम ड्राई ड्राई दिखता है। तो इसे पता चल जाता है कि ये पाग जो है बिल्कुल परफेक्ट है। तो फ्लेम को यहाँ भी मैंने लो रखा है। तो जो मैंने मिक्सचर निकाला था थोड़ा सा, उसे हम थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, इस प्रकार से आप इसकी गोली बनाएंगे ना, एकदम बढ़िया से बन जाएगी, ना ही हाथ में ये चिपकेगा। तो इसका मतलब है कि इसके पेड़े जो हैं बन जाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसकी जो हमें घुटाई करनी है। फ्रेंड्स, जितनी अच्छी आप इसकी घुटाई कर लेंगे पेड़े आपके उतने ही अच्छे बनेंगे। हलवाई लोग भी जब पेड़ बनाते हैं तो आपने देखा होगा जो लकड़ी का कलछा होता है बड़ा साइज़ का, उससे उसकी घुटाई करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 4 से 5 इलायची का पाउडर डाल दिया है। अब कलछी जो है हमारी नहीं चल रही है, मैंने इतनी घुटाई की है। तो अब हम इसे रख देंगे थोड़ा सा ठंडा होने के लिए। जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तब हम इसके पेड़े बनाएंगे। तो फिर पेड़े के मिक्सचर को मैंने रख दिया था प्लेट में थोड़ा सा ठंडा करने के लिए। मैं दूसरा काम करने लगी थी, जब मैं काम करके आई तब तक देखा ये थोड़ा सा टाइट हो चुका था। अब क्या करें, इसके कैसे पेड़े बनाएंगे। तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है, हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा दूध। दूध जो है आप हल्का सा गुनगुना कर लीजिएगा और इसे जो है अच्छे से मसल कर सॉफ्ट कर लीजिएगा। दूध बहुत ज़्यादा मत डालिएगा, नहीं तो ये फिर मिक्सर आपका गीला हो जाएगा। तो अब हम इसके पेड़े बनाएंगे। तो पहले इसके लिए क्या करेंगे, हम मोल्ड लेंगे। तो फिर मेरे पास जो है ये मिट्टी का मोल्ड है। तो हम इसमें थोड़ा सा घी लगाकर ग्रीस कर लेंगे। इसके बाद थोड़ा सा मिक्सचर लेंगे, हथेलियों की मदद से इसे मसल कर एक पेड़ा बना लेंगे। पेड़ा जो हमें बहुत चिकना बनाने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद जो है मोल्ड के बीच में रखेंगे। और अगर आपको पेड़ा जो है एक साइड प्लेन चाहिए तो एक मोल्ड को जो है आप उल्टा रखिएगा। तो फ्रेंड्स, ये देखिए बहुत ही बढ़िया पेड़ा हमारा बनकर तैयार हो गया है। ये जो मिक्सचर है ना थोड़ा सा टाइट रखा था मैंने, तो इसकी जो डिज़ाइन है ना पेड़े की बहुत ही अच्छी एकदम उभर कर आती है। और चलिए मैं आपको और पेड़े बना कर दिखाती हूँ अगर आपके पास मोल्ड नहीं है। तो ये फ्रेंड्स मिक्सर जो है फिर से ड्राई हो गया। तो इसमें फिर से हम थोड़ा सा दूध डालेंगे और इसे जो है मसल कर थोड़ा सा सॉफ्ट करेंगे। तो ये जो है मिक्सर थोड़ा सा मैंने सॉफ्ट रखा है क्योंकि हम इसे जो है बिना मोल्ड के बनाएंगे। तो इसकी जो हमें एक चिकनी लोई बनानी है, इस प्रकार से एक अंगूठे की मदद से होल कर देंगे। ये पहली डिज़ाइन है। दूसरी डिज़ाइन में यहाँ मैंने फोक लिया है। तो इस प्रकार से हमें जो है क्रॉस करके इसमें निशान लगाना है। तो ये हमारी दूसरी डिज़ाइन हो गई। तीसरी डिज़ाइन में मैंने यहाँ विश कर लिया है। तो इस प्रकार से ये देखिए बहुत ही बढ़िया लग रहा है ये पेड़े का डिज़ाइन। तो फ्रेंड्स, यहाँ जो है मैं आपको 6 से 7 डिज़ाइन दिखाऊँगी बनाकर। बहुत ही बढ़िया सब डिज़ाइन है और मैंने पहले नहीं सोचा था कि मैं क्या क्या डिज़ाइन बनाऊंगी। बस मेरे सामने जो भी चीज़ें रखी थी किचन की, मैं उसी से बना रही हूँ। तो आपको इसमें से जो भी डिज़ाइन पसंद हो तो उस डिज़ाइन के पेड़े बना सकते हैं। ये देखिए बहुत ही बढ़िया डिज़ाइन है। और ये जो है कैप से हम बनाएंगे। इस प्रकार से ये फ्लावर जो है हमारा बनकर तैयार हो गया है। अगर आपको सिंपल पेड़े पसंद है तो आप इस टाइप के जो है ये पेड़ा बना सकते हैं। तो फिर यहाँ पर मैंने सारे पेड़ जो है बना लिए हैं। बहुत ही बढ़िया और बहुत ही सॉफ्ट बने हैं। पेड़ों को जो है आप फ्रिज में मत रखिएगा, नहीं तो ये टाइट हो जाएंगे। फ्रिज के बाहर ही रखिएगा। बहुत ही बढ़िया और बहुत ही टेस्टी बने हैं। तो फ्रेंड्स, बनाइए, खाइए और अपने अनुभव हमसे शेयर कीजिएगा। आज ये रेसिपी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। तो फिर मिलती हूँ इसी प्रकार से एक नई रेसिपी के साथ।